सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या इसे परिवर्ती अनुपातों का नियम भी कह सकते हैं। ये जो नियम है वो उत्पत्ति हास नियम की आधुनिक व्याख्या कही जाती है। ठीक है, उत्पत्ति हास नियम जो प्राचीन था मार्शल ने दिया था, जो कृषि के अंदर लागू होता है, उसकी आधुनिक व्याख्या जो है उसको कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम हैं जहाँ पर भी हमारा उत्पादन के नियम टॉपिक होता है, उसमें महत्वपूर्ण है ये। बाकी जैसे बीकॉम, बीबीए, एमबीए, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम हैं, उन सभी में ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर स्टिगलर हैं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अभी नियम क्या कहता है कि जब उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं और स्थिर साधनों के साथ हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, नियम क्या कहता है कि जब उत्पादन प्रक्रिया में अल्पकाल में स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है तो एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत उत्पादकता घटने लगती है, और सीमांत उत्पादकता घटती है इसीलिए क्या होता है, कुल उत्पादन भी घटने लगता है। इसी को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक साधन हमारा है स्थिर, जैसे भूमि है, ये 5 हेक्टेयर है, सब जगह यही है। दूसरा साधन हमने ले लिया परिवर्तनशील, माना कि श्रम इसकी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो अब यहाँ अगर देखा जाए स्थिर साधन ये तो सब जगह समान इसकी इकाइयाँ, और परिवर्तनशील साधन हमारा श्रम इसकी इकाई, हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, ये कितना था, 5:1, 5:2, 5:3। तो अनुपात क्या होता है, बदलता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्या कहता है नियम, का स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में निरंतर वृद्धि करने पर उस साधन की जो सीमांत उत्पादकता है, सीमांत उत्पादन है, वो एक बिंदु के बाद में घटने लग जाता है, और उसी कारण से क्या होता है, कुल उत्पादन भी घटता है। आधुनिक अर्थशास्त्र जो है वो क्या कहते हैं कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो चाहे उद्योग हो, उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील होता है, और उसमें साधनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, जबकि जो प्राचीन अर्थशास्त्री वो क्या मानते थे कि ये नियम केवल, मार्शल क्या कहता था कि जो उत्पत्ति हास नियम है जिसमें सीमांत उत्पादन घटता है वो कहाँ पे लागू होता है, कृषि में, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में एक ही नियम क्रियाशील होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अर्थात कि प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जिसके बाद में उत्पादन घटेगा। अब देखिए इस नियम की कौन कौन सी मान्यता है। तो सबसे पहले हमारी मान्यता है कि जो साधनों का अनुपात है वो क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, स्थिर और परिवर्तनशील साधन होते हैं और इन साधनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, बदलता रहता है। तो उत्पादन में कम से कम एक साधन स्थिर होना चाहिए और एक साधन क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील। ठीक है, दूसरा भी हमने देख लिया है कि साधनों का जो अनुपात होता है वो परिवर्तनशील होता है। फिर परिवर्तनशील साधन की जो इकाई है वो क्या होती है, समरूप होती है, सभी की जो कार्य क्षमता है वो क्या होती है, एक समान होती है। फिर उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहते हैं, और ये नियम कब लागू होता है, अल्पकाल में। ठीक है, और अल्पकाल का मतलब क्या होता है इसमें, जिसमें स्थिर साधन है, कम से कम एक साधन स्थिर है और एक साधन क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील। अब हम इस नियम की व्याख्या करते हैं। ठीक है, व्याख्या करने के लिए हमको एक सारणी की आवश्यकता होती है। तो ये हमने एक सारणी बना दी, एक काल्पनिक संख्या ले ली है। ठीक है, जिसमें भूमि की मात्रा ली है, भूमि को हमने स्थिर साधन मान लिया है, और श्रम को हमने मान लिया है परिवर्तनशील साधन। तो भूमि माना कि कितनी है, 5 हेक्टेयर है, सब जगह स्थिर मानी गई है,
और परिवर्तनशील साधन क्या है, श्रम उसकी क्या है, हमारे पास में क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो स्थिर साधन पे हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सीमांत उत्पादन लेना है, ठीक है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, बढ़ता हुआ। जैसे कोई भी संख्या हमने बढ़ती हुई ले ली है, 0, 5, 7, 9, शुरू शुरू में बढ़ता हुआ लेना है, फिर घटता हुआ, फिर जीरो और फिर ऋणात्मक। तो 9 के बाद में हमने 7 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर -2 ले लिया। तो ये हमारे पास में सीमांत उत्पादन की ये अनुमानित इकाइयाँ हैं। अब इस आधार पर हम कुल उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल उत्पादन कितना होगा, 0 का 0, 0 में 5 प्लस कर दोगे तो 5, 5 प्लस 7 करोगे तो 12, 12 प्लस 9 करोगे तो 21, 21 प्लस 7 करोगे तो 28, 28 प्लस 2 करेंगे तो 30, 30 प्लस 0 करेंगे तो 30, और 30 माइनस 2 कर देंगे तो 28। तो सीमांत उत्पादन के आधार पर हम कुल उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारा ये कुल उत्पादन है उसमें परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों का भाग देकर औसत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। औसत उत्पादन बराबर क्या होता है, टी पी अपॉन परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयाँ, ठीक है। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, कुल उत्पादन औसत उत्पादन इनके बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए, इसी को हम एक रेखा चित्र के द्वारा अगर प्रस्तुत करते हैं तो कुल उत्पादन की क्या स्थिति है, कुल उत्पादन शुरू शुरू में बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर घटने लग जाता है, ठीक है। तो ये सीमांत उत्पादन की क्या स्थिति है, ये भी पहले बढ़ता है फिर घटता है, जीरो भी हो जाता है और माइनस भी हो जाता है, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन ये बढ़ता हुआ, ये घट रहा है, फिर शून्य हो गया और फिर ऋणात्मक हो जाता है। जबकि औसत उत्पादन की क्या स्थिति होती है, क्या प्रवृत्ति होती है, पहले बढ़ता और फिर घटता, ये बढ़ता हुआ और फिर घटता हुआ। और इनके बीच में जो आपसी संबंध है उन संबंधों को हमको ध्यान रखना है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब इस सारणी को लेकर हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको तीन भागों में बांट देते हैं, ठीक है। पहली स्थिति, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन बढ़ता है और कुल उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। और फिर औसत और सीमांत जहाँ पे बराबर हो जाते हैं वहाँ तक कौन सी अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्पादन की जो श्रम की एल इकाइयाँ हैं प्रयोग करने तक, या सारणी में हम देखते हैं तो देखिए औसत और सीमांत बराबर कहाँ पे है, इस जगह, ठीक है, उत्पादन के साधनों की 4 इकाई श्रम का प्रयोग करने पर। तो यहाँ तक कौन सी अवस्था हो गई है, प्रथम अवस्था, ठीक है। फिर जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, ठीक है, तब तक कौन सी अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था, ठीक है, ये हमारी प्रथम अवस्था हो गई है। फिर सीमांत उत्पादन शून्य हो गया है, यहाँ तक सेकंड अवस्था है। और जब सीमांत उत्पादन माइनस में हो जाता है उसको हम कहते हैं तृतीय अवस्था, ठीक है। तो तीन भागों में हमने क्या किया, इसको बांट दिया है, ठीक है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अब इस सारणी या रेखा चित्र अगर हम देखते हैं तो प्रथम अवस्था में अगर देखा जाए तो क्या होता है, स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद में घटना प्रारंभ हो जाता है, जबकि औसत उत्पादन बढ़ता जाता है, ठीक है। इसलिए इस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, प्रथम अवस्था को, बढ़ते प्रतिफल, ठीक है, बढ़ते प्रतिफल। मतलब इसमें औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं, टीपी भी बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है और एमपी भी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ इसको बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम अवस्था में हम देखते हैं स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने के क्या कारण हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं बढ़ते प्रतिफल लागू होने के कारण। तो सबसे पहले हमारा कारण है स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग, ठीक है। जो हमारा स्थिर साधन है भूमि, उस पर हम श्रम की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो श्रम की मात्रा बढ़ाने पर
जो हमारा स्थिर साधन है उसका अच्छा सा प्रयोग होने लगता है, पूर्ण उपयोग होगा, और पूर्ण उपयोग होने के बाद उत्पादन क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, दूसरा साधन हमारा है अनुकूलतम साधन संयोग। ठीक है, कि माना कि ये भूमि है, इस पे काम करने के लिए चार जनों की आवश्यकता है, जिसको हम कहेंगे अनुकूलतम संयोग। तो जब तक ये संयोग नहीं आएगा तो परिवर्तनशील साधन को बढ़ाने पर उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अनुकूलतम साधन संयोग। और तीसरा कारण अपना है कि जो हम परिवर्तनशील साधन बढ़ाते हैं तो उसकी कार्यकुशलता भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, परिवर्तनशील साधन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तो उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से बढ़ते प्रतिफल की अवस्था लागू होती है, जो हमारा प्रथम अवस्था है उसको हम बढ़ते प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। और जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है और कुल उत्पादन भी उसके साथ बढ़ रहा है, लेकिन जब सीमांत उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है, जिस बिंदु से घटना प्रारंभ हो जाता है सीमांत उत्पादन, उस बिंदु पर कुल उत्पादन के बढ़ने की जो दर है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस बिंदु को क्या कहा जाता है, मोड़ बिंदु कहा जाता है। ठीक है, मोड़ बिंदु, जहाँ पे कुल उत्पादन के बढ़ने की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारी थी प्रथम अवस्था। ठीक है, रेखा चित्र में श्रम की ओ से लेकर एल इकाइयों का प्रयोग करने तक प्रथम अवस्था है, और सारणी में श्रम की चार इकाइयां जो प्रयोग की जा रही है तब तक प्रथम अवस्था है। फिर उसके बाद में है द्वितीय अवस्था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्थिर साधन के साथ में हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा और बढ़ाते हैं। श्रम की मात्रा अगर एल से लेकर एन तक, ठीक है, रेखा चित्र में L से लेकर N तक, या सारणी में चौथी पांचवी छठी, ठीक है, इकाइयों को हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा कुल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है, जबकि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटते हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, धनात्मक हैं। तो इसमें औसत और सीमांत दोनों घटते हैं, इसलिए द्वितीय अवस्था को हम क्या कहते हैं, घटते प्रतिफल की अवस्था। ठीक है, घटते प्रतिफल, तो घटते प्रतिफल की अवस्था में क्या हो रहा है, औसत उत्पादन भी घटता है, सीमांत उत्पादन भी घटता है, और कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। और तृतीय अवस्था हमारी है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब हम स्थिर साधन के साथ में परिवर्तनशील साधन की इकाइयां और बढ़ाते हैं, जैसे श्रम की सातवीं इकाई का प्रयोग करते हैं, या रेखा चित्र में श्रम की एन इकाइयों के पश्चात भी अगर और वृद्धि की जाती है तो कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है, औसत उत्पादन घटना जारी रखता है, और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, इस कारण इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर हमारे पास में तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल। तो बढ़ते प्रतिफल के हमने कारण ये पढ़े थे। अब घटते प्रतिफल मतलब एक बिंदु के बाद में उत्पादन घटता क्यों है, तो घटने के क्या कारण हो सकते हैं कि जो हमारा स्थिर साधन है, एक साधन स्थिर है, जब हम उसको नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उत्पादन क्या होगा, घटेगा घटेगा, तो साधनों की स्थिरता। ठीक है, पहला कारण क्या होगा घटते प्रतिफल का, साधनों की स्थिरता। और दूसरा कारण हमारा हो जाएगा कि जो साधनों का अनुकूलतम संयोग है उसके बाद में अगर हम साधनों को बढ़ाएंगे परिवर्तनशील साधन को, फिर उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, अनुकूलतम संयोग के पश्चात अगर साधन को बढ़ाया जाएगा तो फिर उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। और फिर एक हमारा लास्ट हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। अगर भूमि की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति श्रम या पूंजी के द्वारा नहीं की जा सकती, इनको एक सीमा तक प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसलिए ये साधन हमारा स्थिर रहता है, इस कारण से उत्पादन क्या होगा, घटेगा, इसलिए हमें घटते प्रतिफल की अवस्था लागू होती है। तो इन तीनों अवस्थाओं का हमने एक्सप्लेन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोला वो सारा इसमें लिखा हुआ है।
अब हम देखते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं में से एक उत्पादक के लिए सबसे श्रेष्ठ अवस्था, अनुकूलतम अवस्था, विवेकपूर्ण अवस्था कौन सी होगी। ठीक है, विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था। तो एक उत्पादक जो होता है, उत्पादन करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति, और उस उत्पादन को करने में जो लागत है वो क्या हो जाए, न्यूनतम। तो जिस अवस्था में उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाएगी और उत्पादन अधिकतम हो जाएगा, उत्पादक का जो लाभ है वो अधिकतम हो जाएगा, उस अवस्था को हम कहते हैं विवेकपूर्ण अवस्था, और वही उत्पादक के संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो सारणी या रेखा चित्र अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारी जो सेकंड अवस्था है, द्वितीय अवस्था, वो क्या मानी जाएगी, श्रेष्ठ। तो और ऐसी स्थिति में जो उत्पादक है वो कितना उत्पादन करेगा, ई बिंदु पर या श्रम की इन इकाइयों का प्रयोग करने पर उसको अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति होगी। अगर वो श्रम की ओ से एन इकाइयों का कम प्रयोग करता है तो उसका जो कुल लाभ है वो कम हो जाता है, और ओ एन इकाइयों से अगर ज़्यादा इकाइयों का प्रयोग करता है तो उसके कुल प्रॉफिट में कमी आ जाती है। ठीक है, मतलब अधिकतम लाभ कहाँ पे होगा, ओ से लेकर एन के बीच में एन बिंदु पर हम कह सकते हैं अधिकतम लाभ होता है, उसके बाद में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक भी हो जाता है, इसलिए श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। तो उत्पादक के लिए श्रेष्ठ अवस्था कौन सी होती है, द्वितीय अवस्था। ठीक है, तो एक उत्पादक जो है वो द्वितीय अवस्था में रहना पसंद करेगा, इसी अवस्था में उसका कुल उत्पादन लाभ अधिकतम हो जाता है। ठीक है, और लागत इसकी न्यूनतम इसी अवस्था में होती है।